अब बारी आती है एक ऐसी डिश की जो स्पेन में बहुत ही पॉपुलर है और इसका नाम है पाइया। ये चावल से बनी हुई है, इसमें सी फूड डलता है, चिकन डलता है, बहुत सारा टेस्ट है और ट्रेडिशनल डिश है। लेकिन आज जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरह से सिंपल करके इंडिया में आप सब लोग बना सकते हैं और कोशिश करेंगे कि उसमें जो टेस्ट है जहां तक हो सके ट्रेडिशनल रखने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाइया बनाने से। इसके लिए चावल भिगो के रखने हैं, हमने यहां पर चावल तैयार करके रखे हैं, भिगो के रखे हुए हैं और इसमें सी फूड बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन यहां पर सिर्फ मैं प्रॉन्स आपको दिखा रहा हूं। और ट्रेडिशनली जब पाइया बनता है तो उसमें कुछ प्रॉन्स शेल के साथ भी रखे जाते हैं, लेकिन खाने में आसान नहीं रहता है इसलिए इसके हमने शेल्स निकाल लिए हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम चिकन भी डालेंगे और बोनलेस चिकन के स्ट्रिप्स हमने काट के रखे हैं। ट्रेडिशनली इसके अंदर जो चिकन डलता है वो विद बोन डलता है, बोन के साथ डलता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इसको खाने में आसानी हो इसलिए थोड़े से चेंजेस हमने किए हैं यहां पर। और पाइया बनाने के लिए जो एक डिश होती है ट्रेडिशनली एक इस तरह की डिश होती है, लेकिन काफी हैवी होती है, जैसे आप कढ़ाई देख रहे हैं फ्लैट कढ़ाई, इसी तरह की पाइया डिश होती है और उसमें बनाया जाता है पाइया को। लेकिन यदि आपके पास वो नहीं है तो आप दूसरे किसी बर्तन में भी बना सकते हैं। यहां पर हमने ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर बनाएंगे, लेकिन पहले कुछ शुरुआत करनी है, थोड़ी सी तैयारियां करनी है हमने। आप ऑलिव ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल में हमें गार्लिक को फ्राई करना है, तलना है। ये लहसुन हम ले लेते हैं और इसको हमने ब्राउन करना है। अब ये जो गार्लिक है ये फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं और ये जो तेल है इसे हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं। और ये जो प्रॉन्स हमने छील के रखे हुए हैं इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, पानी में इसे हम पकाएंगे। खैर, जब तक ये प्रॉन्स पकते हैं हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ले लेते हैं। इसमें ये जो चिकन हमने काट के रखा है, बोनलेस चिकन ले रहे हैं, इसे हमने हल्का सा सौते करना है। जब तक ये सौते होता है, ये प्रॉन्स पक चुके हैं, इसे ज्यादा नहीं हमने पकाना, इसे आप छान लें। ये प्रॉन्स हम निकाल के रख लेते हैं और ये जो पानी है जिसमें हमने प्रॉन्स को पकाया था उसे आप फेंके नहीं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे राइस के अंदर। अब इस चिकन को हम निकाल लेते हैं, ये चिकन सौते हो गया है। अब इसी तेल में आप मिंस्ड अनियन ले लें या ग्रेटेड प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को हल्का सा पकाना है हमने। इसके साथ इसमें डालें आप बेलीफ, थोड़ी सी बेलीफ डालनी है हमने, सिर्फ आधा पत्ता हम डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। वैसे तो ये इसमें जो हमने बेलीफ डाली है यहाँ पर ड्राई डाली है, ट्रेडिशनली इसमें फ्रेश डाली जाती है और वो भी क्रश करके। अब इसके बाद आप डालें टमाटर, ये जो टमाटर है इसे ब्लांच करके उसके बाद इसको हमने चॉप किया है, वो इसके अंदर डालें हमने। अब इस समय इसमें थोड़ा सा तेल और डालें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। जब तक ये थोड़े पकते हैं कुछ तैयारी और कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमने जो गार्लिक है उसको ब्राउन किया था, तेल में तला था, इसमें कुछ चीज़ें और डालते हैं हम, जैसे थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च, ये क्रश्ड लाल मिर्च है। इसके साथ इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डालते हैं, केन पेपर वहाँ पर डलता है, यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डालते हैं जो बहुत ज़्यादा तीखा ना हो। और उसके साथ इसमें हम एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो एकदम स्पैनिश है और स्पेन उसके लिए बहुत ही मशहूर है, ये है वहाँ का केसर। केसर इसके अंदर डालें और इसके बाद इसमें डालें थोड़ा नमक। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे हमने क्रश करना है। इसमें हमने फ्राइड गार्लिक डाला है,
सिर्फ एक कली इसमें आप रॉ गार्लिक की भी डाल लें और इसके साथ पीस लेते हैं, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं और इसे पीस लेते हैं। ये जो पेस्ट हम तैयार कर रहे हैं ये इस डिश के लिए बहुत ही जरूरी है, आप देखेंगे इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। अब ये जो है रेडी हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये प्रॉन्स का स्टॉक, इसके साथ थोड़ा चिकन का स्टॉक। ये दोनों स्टॉक डालने के बाद इसे आप गर्म होने दें। अब ये जो पेस्ट है ये भी तैयार हो चुकी है, इसमें लाल मिर्च है, काली मिर्च है, सैफरन है और तला हुआ गार्लिक और थोड़ा सा कच्चा गार्लिक और नमक। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसके अंदर। ये केसर की वजह से इसमें जो रंग है वो बहुत ही बढ़िया आएगा, ये देखिए। और अब इसमें हम डालेंगे ये चावल जिसे हमने सोक करके रखा हुआ है। चावल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये पेस्ट बनाते समय हमने नमक डाला था तो उसी हिसाब से नमक डालें आप। ये देखिए कितनी बढ़िया डिश लग रही है दिखने में, और चावल पकने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब ये जो चावल है काफी ड्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे कुछ शिमला मिर्च, हरी है मेरे पास और लाल है, और इसके बाद आप इसमें डालें ये चिकन। इस चिकन को हमने पहले से सौते किया है, और ये प्रॉन्स, कुछ प्रॉन्स आप बचा के रख लें ऊपर से गार्निश करने के लिए, और मटर के दाने थोड़े से पार बॉयल किए हुए। इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। अभी ये चिकन है ये पका नहीं है, इसे अभी दम में पकना है, यानी जो स्पैनिश कुकिंग होती है उसमें भी ढक्कन लगाकर दम पे धीमी आंच पर कुकिंग होती है। और यदि आपके पास पाइया वाला ढक्कन नहीं है तो आप इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल ले लें और उससे पूरी तरह से इसे कवर कर दें। इसको कवर करने के बाद करीब 10 से 12 मिनट तक आपने धीमी आंच पर इसको पकाना है ताकि ये जो डिश है पाइया है पूरी तरह से पक जाए। इसमें चावल गल जाने चाहिए, इसमें जो चिकन हमने डाला है, प्रॉन्स डाले हैं, वो भी पूरी तरह से गल जाएंगे। इसमें सारे टेस्ट हैं, हमने स्टॉक डाला था, चिकन का डाला था, प्रॉन्स का डाला था, तो बहुत ही बढ़िया डिश बनेगी। आप इस तरह से इस डिश को बना के देखें। ऐसी डिशेज, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया टेस्ट होता है, सैफरन है, मिर्च है, बहुत सारे टेस्ट हैं, शायद इसी वजह से ये डिश सिर्फ स्पेन में नहीं पूरे विश्व भर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम द्वारा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको पूरे विश्व भर की नई नई और बहुत पुरानी रेसिपीज बताएं और इस अंदाज से बताएं जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। आपको हमारी आज की स्पेनिश रेसिपीज कैसी लगी जरूर लिख के भेजें और हम कोशिश करेंगे आपको हमेशा नई नई रेसिपी या जैसे मैंने कहा पुरानी रेसिपीज ढूंढ के लाएंगे सिर्फ आपके लिए। अब आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रीकैप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो प्रॉन्स, 400 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस, 75 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, 3 लहसुन की कलियां, 1 तेजपत्ता, 1 प्याज पिसी हुई, 2 डाइस की हुई शिमला मिर्चें, 1 डाइस की हुई लाल शिमला मिर्च, 2 ब्लांच किए हुए कटे टमाटर, 500 ग्राम चावल, 1.25 लीटर स्टॉक, चुटकी भर केसर, 10 कुटी काली मिर्चें, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच पेपरिका पाउडर या लाल मिर्च पाउडर, आधा कप ब्लांच किए हुए मटर के दाने और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल में लहसुन की कलियां डालकर इसे सुनहरा होने तक भूनें और इसे निकालकर इसमें कुटी काली मिर्चें, कुटी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर या लाल मिर्च पाउडर, केसर, नमक, लहसुन की कलियां और ऑलिव ऑयल डालकर इसे पीस लें और पॉन्स को साफ करके इसके अंदर पानी डालकर इसे कुछ देर पकाएं और इसे छान कर इसे निकालें और अलग रख दें। इसके बाद एक पैन में ऑलिव ऑयल लेकर इसके अंदर बोनलेस चिकन के पीसेस डालकर इसे थोड़ा भून लें और इसे भी निकाल लें। अब एक कढ़ाई के अंदर ऑलिव ऑयल लेकर इसमें पिसी प्याज को डालकर भून लें
इसमें तेज पत्ता डालकर थोड़ा भुने, इसके बाद इसमें ब्लांच के कटे टमाटर डालकर मिलाए और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद इसमें प्रॉन्स का स्टॉक और चिकन का स्टॉक डालकर उबाल लें और जब ये उबल जाए तब इसके अंदर भुने लहसुन और मसालों से बनी पेस्ट डालकर मिलाएं। इसके साथ इसमें पानी में भीगे चावल और नमक डालकर इसे पका लें और जब चावल थोड़ा पक जाए तब इसके अंदर डाइस की हुई हरी और लाल शिमला मिर्च, तले चिकन के पीसेस, उबले प्रॉन्स और उबले मटर डालकर मिलाएं और इसे एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके करीब 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर पकाकर सर्व करें।